हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप गोल्ड लोन का ईएमआई अगर आप टाइम से पेड नहीं करते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या आपके ऊपर बैंक और कंपनी वाले लीगल एक्शन ले सकते हैं, आपको क्या पेनल्टी चार्ज लग सकता है। आज हम इसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। तो मेरा आपसे विनती है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, गोल्ड लोन जो होता है, आपके घर पे काफ़ी ज्वेलरी सोना पड़े रहते हैं और काफ़ी लोग उसे बैंक में एक प्रकार से सिक्योरिटी के तौर पे रख के कुछ पैसा ले लेते हैं और उस पैसे को ईएमआई के रूप में भरते हैं। बट क्या आप जानते हैं, अगर आप उसकी ईएमआई आप किस तरह टाइम पे नहीं देते हैं तो क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। दोस्तों, पहला रीजन, अगर गोल्ड लोन आप अगर किसी बैंक किसी कंपनी में अगर आप रखते हो सिक्योरिटी तौर पे, तो अगर आप उसकी किस्त नहीं भरते हैं टाइम से तो आपका जो गोल्ड है वो डूब जाएगा, वो बैंक के अधिकार में हो जाएगा। दूसरा, अगर आप गोल्ड लोन का पैसा अगर आप नहीं देते हैं, जो आपकी ईसीएस बाउंसिंग होगा आपके बैंक से, वो पेनल्टी आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। तीसरा, आपके सिविल में इफेक्ट आएगा। बट यहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि गोल्ड लोन में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए दोस्तों, गोल्ड लोन जो होता है, गोल्ड लोन में आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम एक ही होता है कि अगर गोल्ड लोन आप किसी कंपनी बैंक से अगर आप वहाँ पे रख के सिक्योरिटी तौर पे अगर आप कोई भी अमाउंट लेते हैं तो बैंक का अगर पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक उसे नील कर देगा, वो गोल्ड को अपने पास रख के सेल करके उस पैसे को एडजस्ट कर लेगा। अगर आपकी जो ईसीएस आपके बैंक से बाउंस हुआ है, जो पेनल्टी लगा है, वो आपके अकाउंट में माइनस रहेगा, आपको आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका एक दूसरा लॉस है। तीसरा लॉस है, क्या हमारा गोल्ड लोन से हमारे सिविल पे इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, अगर आप टाइम से पैड करोगे तो आपका सिविल 100% इंक्रीज भी होगा और गोल्ड लोन का अगर आप कोई किस्त बाउंस करते हो तो सिविल पे आपका प्रभाव पड़ेगा, आपका सिविल डिक्रीज भी हो सकता है। तो जो गोल्ड लोन होता है आपका, जिस तरीके से आप प्रॉपर्टी लोन लेते हो, कोई जमीन पे लोन लेते हो, आप अगर पैसा नहीं भर पाते हो तो उसके तौर पे बैंक जो है क्लेम करके आपसे अपना पैसा वसूल कर लेता है। तो गोल्ड लोन कोई अनसिक्योर में नहीं आता है, एक प्रकार से सिक्योरिटी अंडर में आता है। तो जो गोल्ड लोन का ईएमआई है आप उसे टाइम से पैड करें। अगर आप नहीं पैड करेंगे तो गोल्ड को आप भूल जाइए और जो अलग से कुछ पेनल्टियां आपको लगेगी उसे आप भरने के लिए तैयार रहना। तो जो गोल्ड लोन होता है, काफी लोग के पास गोल्ड नहीं होता है, काफी लोग के दादा दादी, पहले जमाने के परदादा, काफी टाइम में ऐसे कुछ लोग थे जो पहले के टाइम के गोल्ड रखे थे, घरों में बचा के अपने बेटियों की शादी के लिए रख के पैसा लेके काम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, गोल्ड जो लोन जो होता है एक अलग टाइप का लोन होता है। तो गोल्ड लोन से आपको कोई लॉस नहीं है, कोई आपको जेल नहीं होगा, कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगा, बस इतना है कि आपका गोल्ड आपसे आपके हाथों से चला जाएगा। जो ईसीएस बाउंस होगा वो पेनल्टी आपको बैंक को देना पड़ेगा, आपका आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस होता है तो। बाकी सिविल पे भी इफेक्ट पड़ता है गोल्ड लोन से। तो शायद आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों।